गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लेक्चर को जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था उससे आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है कि व्हाट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन, उनके फॉर्मूले क्या हैं, उनको कैसे निकालते हैं, और आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो प्रॉब्लम देख रहे हैं, दोनों प्रॉब्लम इस फिगर से रिलेटेड है। तो अगर ये फिगर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर का लास्ट जो प्रॉब्लम था उसमें देखा था। तो एक मास एम है और यहाँ पर जो है आपका रफ सरफेस है, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो कि म्यू के है दिया गया है, और एफ एक्सटर्नल इसमें लगाया जा रहा है और थीटा एंगल पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर थीटा एंगल, और वी क्या दिया गया है, कॉन्स्टेंट, यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको पहले आप कर लीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। दोनों ही पार्ट आप आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे और इनको करके आप देखिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अगर जब भी आपको दिया है कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v चेंज नहीं हो रहा है। a क्या होता है, dv बाई dt, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है v को टाइम के रिस्पेक्ट, और कॉन्स्टेंट यानी जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो कांस्टेंट यानी कि जब भी v कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप बताइए न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से f नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ma, ठीक है, और a यहाँ क्या है, जीरो, तो m इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब हम लोग अपने प्रॉब्लम में देखते हैं कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स ब्लॉक पे कितनी लग रही है वो पूछा गया है। तो अगर आप देखिए तो पहले में बोल रहे हैं एन प्लस एफ एक्सटर्नल प्लस एम जी, एन प्लस एफ एक्सटर्नल साइन थीटा माइनस एम, एन प्लस एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा माइनस एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा, लेकिन आप देखिए क्या आ रहा है आपका एफ नेट, आपका एफ नेट आ रहा है जीरो। तो इसका मतलब कि चारों ही ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, नन ऑफ डीज, यानी इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ डीज। तो ध्यान रखिए जब भी v कांस्टेंट दिया हो और जैसा भी क्वेश्चन उन्होंने बना के आपको दिया गया हो, आप का अगर एफ नेट पूछते चाहे जो भी हो जाए प्रॉब्लम के अंदर, बहुत सारी फोर्सेस दिखेंगी। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो पक्का न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो एफ नेट का आंसर जीरो ही आने वाला है। तो जानबूझ के इसमें नन ऑफ दीज दिया है, कहीं पे जीरो नहीं दिया है, जिससे कि आपको लगेगा कि नन ऑफ दीज तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए, और कुछ ना कुछ आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होगा आंसर, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई ई पार्ट यहाँ पर करेक्ट है। अब दूसरा बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं और फिर उसके बेसिस पे इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी फिगर का करेक्ट वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ और यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अब बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जो भी हमारा बॉडी दिया रहता है उसको पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट मास ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो अगर हम लोग y डायरेक्शन में देखें तो नॉर्मल लग रहा है, बिकॉज ये सरफेस पे रखा हुआ है ब्लॉक या चल रहा है, ठीक है, सरफेस के कॉन्टैक्ट में, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, और नीचे यहाँ पर mg लग रहा है। ठीक है, और फिर आप देखिए कि जो f एक्सटर्नल है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा f एक्सटर्नल cos theta x डायरेक्शन में, और एक इसका कंपोनेंट होगा f एक्सटर्नल sin theta, ठीक है, यानी कि n की डायरेक्शन में y की डायरेक्शन में f एक्सटर्नल का जो है वो है f एक्सटर्नल sin theta, और इस डायरेक्शन में आपका है f एक्सटर्नल cos theta, ठीक है, और फ्रिक्शन भी लग रहा है, दैट इज म्यू के इंटू एम, बिकॉज ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, बॉडी चल रही है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी दी गई है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये है कुल मिला के क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि एफ नेट क्या था, ओवरऑल फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वो जीरो है, यानी एफ नेट इन द एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा और एफ नेट इन द वाई डायरेक्शन भी जीरो होगा।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन ए तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अब हम लोग वाई डायरेक्शन में आप देखिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं। अगर आपको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और डाउन को हम लोग निगेटिव लेते हैं, यानी ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, लिखते हैं हम लोग। तो ऊपर की तरफ दो है, एन प्लस एफ एक्सटर्नल साइन थीटा, ये दोनों पॉजिटिव फोर्सेस हैं, और नीचे क्या है देखिए आपका माइनस एम जी। ठीक है, तो ये वाई डायरेक्शन की फोर्सेस हो गए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एन माइनस एम जी प्लस एफ एक्सटर्नल साइन थीटा, और ये जो नेट फोर्स है ये आपका एम ए के बराबर होगा वाई डायरेक्शन में, लेकिन एफ नेट पूरा जीरो है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी जीरो, और इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। अब आप ये प्रॉब्लम नोट करिए और इसको पहले करिए, मेरे बताने से पहले इसको करिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है और क्या जो बताया जा रहा है आपका आंसर उससे मैच कर रहा है, और फिर देखिए कि आपने कैसे किया था, क्या रॉन्ग सोचा। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा इसको और मैं सोच रहा हूँ कि आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, बिकॉज बिना सॉल्व करे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ मास स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन विद सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन विद मैग्नीट्यूड ए वन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हम लोग। ठीक है, इस पे कोई मास रखा है, ठीक है, इससे सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन विद मैग्नीट्यूड, तो इधर की तरफ ये ए वन एक्सेलरेशन के साथ जो है स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये गिवन है हमें, द सेम मास इज सॉल्वड अप विद द सेम इंक्लाइन। तो यानी कि यहां मान लीजिए कुछ थीटा था और इसका मास कुछ एम है। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब क्या बोल रहे हैं, द सेम मास इज सॉल्वड अप विद द सेम इंक्लाइन, यानी इंक्लाइन वही है, इंक्लाइन वही है अपना, और इंक्लाइन वही है का मतलब क्या है, थीटा जो है वो सेम। ठीक है, तो ये थीटा सेम, लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया है। द सेम मास इज सॉल्वड अप द सेम अब द सेम इंक्लाइन विद लार्ज ब्रीफ इनिशियल पुश, तो बहुत तेज से स्टार्टिंग में जो है पुश लगा दिया जिससे कि मास जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, स्लाइड कर रहा है, बी इधर है और इसमें वी इधर है। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन हैज मैग्नीट्यूड ए टू, और इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो ए टू है। तो अभी आप पूछा जा रहा है A1 और A2 में कौन बड़ा होगा, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि A1 A2 से बड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है A1 और A2 बराबर होंगे, और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि A2 A1 से बड़ा होगा, और चौथा बोल रहा है कि इतना इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है कि हम इसका आंसर बता पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि A1 की डायरेक्शन तो हमें मालूम है नीचे की तरफ है, इंक्लाइन की डायरेक्शन में है। ठीक, A2 की क्या डायरेक्शन है, अब आप सोचिए कि A2 की क्या डायरेक्शन है, हमने इसमें फोर्स लगा के ऐसे ऐसे किया, ठीक है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक, अब आप बताइए कि इसकी डायरेक्शन, इसके एक्सिलरेशन, इसका वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका एक्सिलरेशन ऊपर है कि नीचे, सोचिए थोड़ी देर। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि इस A2 ऊपर की तरफ है तो आप रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है इसलिए एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ है तो आप रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, मान लीजिए आप एक बॉल लीजिए और आप उसमें फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ फेंकिए। ठीक है, क्या किया आपने, एक बॉल लिया और उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका,
तो अब आप बताइए कि उसका एक्सेलरेशन जब वो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी तो ऊपर है, उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? ऑब्वियसली नीचे की तरफ है, क्योंकि ग्रेविटी तो उसमें नीचे की तरफ लग रही है। जो स्मॉल जी है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो ऊपर की तरफ तो नहीं है, वो किधर है? वो नीचे की तरफ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये देखिए, ये है ठीक है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, तो अगर मैं इसमें ऐसे लगाऊं फोर्स, ठीक है, तो देखिए अगर एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होता और वेलोसिटी भी ऊपर की, तो बहुत तेज से बढ़ती, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसकी क्या हो रहा है, ये ऊपर जाता तो है लेकिन फिर रुक जाता है कहीं पे, और फिर नीचे आने लगता है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऊपर जीरो हुई होगी, फिर एक्सीलरेशन उसे अपनी ही डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, ए टू की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है, ये पता करना कि ए वन बड़ा है कि ए टू, ठीक है, ए वन ये है। अब कैसे बता सकते हैं, अगर एक्सीलरेशन का कंपैरिजन, दोनों के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन सेम है, तो कैसे बताया जा सकता है कि ए वन बड़ा है कि ए टू, ठीक है। ये अब इंपॉर्टेंट है, थीटा सेम है, मास सेम है, तो सोचिए आप इसे भी करने की कोशिश करिए, थॉट्स आपके अंदर आने चाहिए कि हाँ अगर गलत भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रॉन्ग सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये देखना है, सही हो रहा है तो गुड है, क्या आप सही सोच रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट कि आप तुक्के मार रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सोच समझ के जवाब सोचने हैं, क्यों कैसे। अब यहाँ आपको क्वेश्चन ये है कि कैसे आखिर ए वन और ए टू कंपेयर करें, तो ए वन ए टू कैसे कंपेयर हो सकता है, एफ नेट फोर्स की मदद से। अभी पढ़ा आपने कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो यानी ए वन ए टू कंपेयर करना है तो हमें ये कंपेयर करना होगा कि किसमें ज्यादा फोर्स लग रही है। अगर इस केस में ज्यादा फोर्स लग रही होगी ए वन की डायरेक्शन में, तो ए वन ज्यादा है, और इस केस में अगर ज्यादा फोर्स लग रही होगी ए वन के ए टू के डायरेक्शन में, तो इधर ज्यादा होगा ए टू, ठीक है। तो ये इसका ये कैसे कंपेरिजन कर पाएंगे हम लोग, इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो अब मैं दोनों ही सिचुएशन का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, और आप देखिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। अब तक आपने आंसर दे भी दिया होगा, अब चेक करिए, ठीक है। तो ये इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं अपना, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, इसमें एम जी टूवर्ड्स अर्थ लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल आप जानते हैं कि ये सरफेस है, तो नॉर्मल इसके 90 डिग्री पे लगेगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और देखिए जो एक और फोर्स लग रही है यहाँ पे फ्रिक्शन, बिकॉज कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन किधर होगा, अपोजिट, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन हमारा हो गया म्यू के इंटू एन, ठीक है, म्यू के इंटू एन, ठीक है। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, और एक्सेलरेशन हमारा है ए वन, ठीक है। तो ये पहला केस है जब हम लोग हमारा ब्लॉक जो है नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अब सेकेंड वाले में बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें भी नॉर्मल ऐसे ही लगेगा, एम जी भी वैसे ही लगेगा, बस एक चीज का यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ मिली है, तो वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन होता है, तो यानी इस बार म्यू के एम इधर लग रहा है और डायरेक्शन ए टू। अब क्या आप बता सकते हैं कि ए टू ज्यादा होगा कि ए वन, अगर अब तो आपको बता ले जाना चाहिए, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एन की डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। और इधर भी सेम कंडीशन होगा, ये थीटा है, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम जी साइन,
अब बताइए कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब अगर आप देखें पहले केस में जब वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है उस समय आप इस इंक्लाइन के डायरेक्शन में देखिए कि mg sin थीटा को म्यू के n अपोज कर रहा है, क्योंकि इधर ही वेलोसिटी तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट है, तो यानी कि f नेट हमारा, ठीक है, इसको अगर x एक्सिस मानी जाए तो f नेट हमारा x के डायरेक्शन में mg sin थीटा माइनस म्यू के एन इक्वल टू एम टाइम्स ए वन लिखा जाएगा। ठीक है, जब डाउन द हिल होगा, ठीक। और इस केस में देखिए इसमें एफ नेट एक्स जो लिखा जाएगा ए टू के केस में एफ नेट एक्स वो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एन है, एम जी साइन थीटा प्लस है, तो प्लस है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, तो ए टू बढ़ा होगा होगा बिकॉज इधर फोर्स प्लस हो रही है और इधर फोर्स माइनस, अब प्लस हमेशा माइनस से बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए टू इज ग्रेटर देन ए वन। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपने इस तरीके से किया है और फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप सोच रहे हैं तो आप करेक्ट तरीके से कर रहे हैं। अब हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए और थोड़ा सा इसे एनालाइज करिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी, अगर नहीं थी तो वी कैन गो अहेड। अब हम लोग एक ऐसा केस देखने जा रहे हैं कि जिसमें एक मास M1 है जो रफ सरफेस पे रखा है और एक मास M2 जो कि M1 के ऊपर रखा है और ये भी एक रफ सरफेस है। इसका कहने का मतलब है कि जो है फ्रिक्शन फोर्स M2 और M1 के बीच में भी लगेगी और M1 और अर्थ के बीच में भी लगेगी। अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करते हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए आपका जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स वो M2 पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, M2 पे, तो अब सोचिए क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बनाते हैं। ठीक है, तो M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में दिस इज एफ बी डी ऑफ M2। ठीक, तो यहां पे आप राइट साइड में देख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। ठीक, अब जो फ्रिक्शन होगा बिकॉज सेंस ऑफ मोशन किधर है, अब जरूरी नहीं है कि मोशन होगा ही, लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और ये अगर चल रहा है या नहीं चल रहा है, दोनों ही केसेस में अगर नहीं चल रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और अगर चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों ही केसेस में इस फोर्स को फ्रिक्शन जो है क्या करने वाला है, अपोज करने वाला है, तो मैं इस फ्रिक्शन का नाम F1 दे देता हूं। ठीक है, और कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, M2G नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको मैं N1 बोल देता हूं। ये नॉर्मल किसकी वजह से आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट किसके बीच में है, M2 और M1 के बीच में कॉन्टैक्ट है, इसलिए इन दोनों सर्फेसेस के बीच में हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो केसेस हो सकते हैं, केसेस, केस ए जो है जिस केस में हो सकता है हमारा एफ ग्रेटर हो एफ वन से, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स एफ वन फोर्स से ज्यादा है, और अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ वन से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन आएगा, जो एक्सेलरेशन आएगा हमारा दैट विल बी एफ माइनस स्मॉल एफ वन डिवाइडेड बाय जो भी हमारा मास है दैट इज एफ टू। ठीक है, और ध्यान रखना है ये जो एक्सेलरेशन है क्योंकि ये बॉडी जो है M2 ये M1 पे चलेगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन यानी ये जो एक्सेलरेशन अभी हम लोग यहां निकाल रहे हैं केस ए में अपने, दिस एक्सेलरेशन इज ए इज रिलेटिव टू M1,
रिलेटिव टू एम वन समझते हैं कि जब हम ये मान रहे हैं कि एम वन का एक्सेलरेशन जीरो है, उस तरीके से ये वाला जो हमारा एक्सेलरेशन एम टू का है दैट विल बी रिलेटिव टू एम वन। ठीक है, ए इज, अच्छा इसको मैं कैपिटल ए केस बोल देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ए और ये ए कहीं सेम तो नहीं। ठीक है, क्लियर है, क्या बात समझ में आई आपको? हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, आई डोंट थिंक कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये फोर्स राइट साइड में है और यहाँ पर एफ वन लग रहा है बैक साइड पर, ये नॉर्मल है अप साइड पर, और एम टू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब यू डोंट नो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मे बी ग्रेटर देन एफ वन और इट मे बी लेस देन एफ वन। ठीक है, यानी कि लेस देन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एफ वन। ठीक है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और बॉडी चल भी सकती है, और अगर ये एफ ग्रेटर देन एफ वन है तो इन दैट केस ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एम टू, और वो बोल रहे हैं कि ये रिलेटिव एम वन होगा। अब बाय चांस अगर हमारे फोर्स इज नॉट सफिशियंट, कि जो इस फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लग पा रहा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में है, तो उस केस में there will be no motion, there will be no motion motion of m2 relative to m1। ध्यान दीजिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव टू m1, m1 के रिलेटिव उस केस में हो सकता है कि कोई मोशन ना हो। ठीक है, वो कब होगा, जब f F1 के इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब ये था FBD ऑफ M2, अब हम लोग बात करते हैं FBD ऑफ M1 की। ठीक है, तो M1 बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आप देखिए M1G लगेगा, ठीक है, और इसमें एक नॉर्मल लगेगा जो कि नीचे से लग रहा है M2। ठीक है, अर्थ की वजह से, अर्थ पे कांटेक्ट में है इसलिए नॉर्मल लगेगा। दूसरा देखिए इसमें बिकॉज M1 भी M2 के कांटेक्ट में है तो वहाँ से भी एक नॉर्मल लगना चाहिए, और वो न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर इसमें N1 ऊपर लग रहा है तो इसमें N1 नीचे लगेगा। ठीक है, ये N1 अपोजिट होके नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, अब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगेगा क्या? अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगा रहे थे, पीछे इसमें फ्रिक्शन लग रहा था, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हर एक्शन का रिएक्शन होता है, यानी कि इधर F1 लगेगा। ये यही F1 है जो आप FBD ऑफ M2 में देख रहे हैं। ठीक है, अब F1 लगेगा तो इसका सेंस ऑफ मोशन राइट साइड में हो गया, तो इसका मतलब इसमें F2 पीछे लगेगा। ये फ्रिक्शन किसके बीच में है, अर्थ और M1 के बीच में। ठीक है, अब इसमें भी केसेस हो सकते हैं कि F1 ग्रेटर देन F2 हो या F2 ग्रेटर देन F1 हो, तो केस सी केस ले सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे केसेस अभी हाइपोथेटिकल ये चल रहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक हम लोग यहाँ पर फ्लो समझना है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बाकी तो जब हम लोग अलग अलग केसेस करके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड फर्दर, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे कि कौन सा केस कब लग रहा है। ठीक है, अभी ज़्यादा इसमें है नहीं, अभी यू शुड बस अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और फिर आप जो है इसको अच्छे से खुद न्यूमेरिकल्स के हिसाब से इन बातों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि एफ वन जो है अगर एफ टू से ग्रेटर हुआ, एफ वन अगर एफ टू से ग्रेटर हुआ तो क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, मोशन। तो उस केस में इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसको A2 बोल देते हैं, इसका या A1 बोल देते हैं, ठीक है, आई शुड हैव रिटन हियर A2, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, A2 यहां पर A1, तो दैट विल बी F1 माइनस F2
डिवाइडेड बाय, और इसका मास कितना है m1, अगर f1 ग्रेटर देन f2 है तो ये एक्सिलरेट करने लगेगा, राइट में चलने लगेगा। और मान लीजिए उसी समय ये केस है हमारा, बी वाला केस है, यानी कि f ग्रेटर नहीं है f1 के, यानी ये रेस्ट पर है। अब ये चलने लगा तो इसके साथ अब ये भी चल रहा होगा, इसके साथ अब ये भी चल रहा होगा। अगर a1 चल रहा है यानी m1 चल रहा है और ऊपर वाला नहीं चल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? हम लोगों ने बोला था there will be no motion of m2 relative to m1, तो रिलेटिव मोशन अगर नहीं होना है तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही ऊपर वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस हो गया। अब केस बी, ठीक है, अब केस डी के बारे में बात करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि F2 अगर ग्रेटर है F1 से, ठीक है, तो अगर F2 ग्रेटर है F1 से तो ऐसा नहीं होगा कि ये ब्लॉक इधर चलने लगे, ठीक, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो फोर्स है यहां पर ये F1 की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, F2 कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जिसकी वजह से ये मोशन कर ले, ये तो F1 को बैलेंस करने की बस कोशिश कर रहा है, ये अपने आप कभी ज्यादा नहीं हो सकता है F2 के। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये ऐसा नहीं होगा कि इसकी तरफ मोशन होने लगे, ये तो खुद इसका जो F1 है इसकी वजह से F2 जनरेट हुआ है। ठीक है, इसको अपोज करने के लिए हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि ये एक इफेक्ट बन जाए और इसकी वजह से बॉडी इधर मोशन ना करे। ठीक है, तो यहां पर देयर विल बी नो मोशन, देयर विल बी नो मोशन ऑफ एम वन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक, और मान लीजिए ये तो मोशन नहीं कर रहा है, केस डी है, लेकिन M2 मोशन कर रहा है, तो जो इसका एक्सेलरेशन अभी हम लोग बोल रहे हैं रिलेटिव टू M1, वही एक्सेलरेशन इसका रिलेटिव टू अर्थ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से अगर आपको अभी थोड़ा सा इसमें डाउट हो तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से इस बात को देख सकते हैं। अब हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी बातें करेंगे हम लोग फ्रिक्शन। अब हम लोग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट विच स्लाइडिंग विल स्टार्ट एट डिफरेंट सरफेसेस ऑफ ब्लॉक्स, और जो ऊपर का ब्लॉक है दैट इज 3 kg और नीचे का 6 kg है, और नीचे फ्रिक्शन जो दिया गया न्यू वो है 0.1 और ऊपर दिया गया है 0.4। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है वैसा एफ यहाँ पर हमें निकाल के बताइए जब ये यहाँ पर भी मोशन होने लगे रिलेटिव और यहाँ पर भी मोशन होने लगे रिलेटिव। ठीक है, तो ये केस जैसा केस हम लोग पढ़ रहे थे अभी, केसेस देख रहे थे, वहाँ पर से मिलता जुलता केस है। देखते कि आखिर रियल प्रॉब्लम में कैसे हम लोग ऐसे केसेस को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते, दैट इज म्यू एस मैक्स, जैसे थ्योरी में बताया गया था। तो पहले हम लोग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ए सरफेस देखते हैं। तो म्यू इंटू एम होता है, 3 kg ही यहाँ पर लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स 3 और 6 के बीच में, तो इसका एम जो है वो 30 आ जाएगा। एम क्या आ जाएगा, 3 × 10 यानी एम जी है। ठीक है, एम की जगह मैंने 3 रखा और जी की जगह 10, तो एन आ गया। और ये क्या होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू यहाँ कितना है 0.4, ठीक है, और ये कितना है 30 है, That is 12 न्यूटन। ठीक, कैसा है 12 न्यूटन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि B पे कितना है, B पे देखें N की बात करें तो दोनों एक साथ लेंगे 3 और 6, दैट इज 9 kg, तो B के लिए जो N आएगा दैट इज 9 × 10 = 90। ठीक है, और म्यू इंटू एन यहाँ पर करेंगे अगर तो 0.1 × 90 will be 9 newton। ठीक है, इसका मतलब कि जो limiting friction B
बी पर है वो कम है और जो ए पर है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि सबसे पहले जो मोशन स्टार्ट होगा वो यहाँ पर होगा, बी सरफेस पे होगा, यानी अर्थ और ब्लॉक 6 kg ब्लॉक के बीच में होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं कि जब ये एफ बढ़ रहा होगा तो क्या होगा। मान लीजिए आपने पहले यहाँ पर 5 N लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 N लगाया और यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 12 जो लिमिटिंग है, तो ये 5 ही हो जाएगा। तो इसका जो अपोजिट रहेगा 5 वो 6 kg ब्लॉक पे लगेगा, तो इधर 5 रहेगा और इधर रहेगा 9, यानी इधर लिमिटिंग 9, तो इधर भी 5 ही रहेगा, तो कोई मोशन नहीं होगा। अब मान लीजिए बढ़ाते बढ़ाते हम लोग यहाँ पर 9 पे आ गए, तो जब यहाँ 9 लगा रहे होंगे 3 kg पे, तो इधर पीछे की तरफ भी 9 लग रहा होगा। ठीक है, जितना इधर लगाते हैं जब तक इससे कम वैल्यू होती है तो एग्जैक्टली वही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो इधर 9 लगा रहे हैं तो इधर भी 9 लगेगा। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, इधर 9 लगाया तो इस पर फ्रिक्शन 9 लगेगा और जो 6 kg ब्लॉक है इस पर इसका अपोजिट 9 लगेगा, लेकिन इधर भी 9 लगेगा। ठीक है, इधर 9 ही है मैक्सिमम, इसका मतलब इससे थोड़ा भी ज्यादा करेंगे तो अब ये 9 रहेगा तो ये चलना शुरू कर देगा। तो अगर ये चलना शुरू कर देगा, ऊपर नहीं चल रहा है तो दोनों एक ही एक्सीलरेशन से चलने लगेंगे, तो वो एक्सीलरेशन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है। तो वो क्या है कि पूरा नेट अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इधर एफ लग रहा है, ठीक है, तो एफ और इधर इधर ही बस केवल फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, तो एफ माइनस 9 और टोटल मास जो है वो कितना है, वो है 9। तो ये है एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन से यहाँ पर जो है ये चलने लगा। अब जिस समय ये यहाँ पर चल रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर भी मोशन, इसमें मोशन हो रहा है उस समय, तो हम इसके लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं कि एफ अगर ग्रेटर दैन 12 N हो तो क्या होगा। फॉर एफ, अभी दोनों चल रहे हैं, अब मान लीजिए मेरा एफ 12 N से बढ़ गया तो उस समय क्या होगा। ठीक है, तो वहां देखिए उस समय क्या होगा कि ये जो एफ है, ठीक है, एफ, ठीक है, एफ माइनस और ये कितना हो जाएगा वहां पर 12, ठीक है, क्योंकि इधर एफ लग रहा होगा और 12 और इस समय ये जस्ट जो है 3 × a, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, f माइनस 9/9। ठीक है, ये हो रहा होगा। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3f − 36 = f − 9, तो ये 2f हो गया, 36 − 9 दैट इज 27, f इज इक्वल टू 27/2 दैट इज 13.5 N। तो 13.5 N पे क्या होगा कि इधर भी ये चलने लगेगा, ठीक है, और नीचे तो ये पहले से ही चल रहा था आफ्टर मोर देन 9 N होंगे। तो एक बार फिर से समझिए कि क्या हुआ कि जब 9 N से ज्यादा हुआ तो फिर ये यहाँ पर मोशन होने लगा, ठीक है, और ये दोनों उस समय साथ चल रहे थे लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा था। यहाँ कब होगा, जब 12 N से ज्यादा होगा, तो जिस समय यहाँ पर 12 N से ज्यादा होगा उस समय यहाँ पर भी जो है मोशन स्टार्ट होगा, तो उस जगह का हम लोग बॉड वो इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस समय इधर एफ होगा और इधर साइड 12 होगा, इसलिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना दूं तो इधर एफ होगा और इधर 12 होगा और इसका एक्सेलरेशन जो होगा ए वो ये होगा। तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा एफ माइनस 12 = m × a और एक्सेलरेशन सेम लिया गया है बिकॉज जस्ट वो मिनिमम बताना हमें कि बस अब इसके बाद से ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो करने के लिए हमने लिमिटिंग केस जब a सेम है वही रख दिया है, तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो f हमारा 13.5 N। तो इस प्रकार के हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, तब तक आप कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करिए और प्रॉब्लम्स लगाते रहिए बिकॉज तभी आपको कॉन्सेप्ट्स और समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।